अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल अमल व्लॉग में खुश आमदीद करती हूँ। व्यूवर्स, आज हम आए हुए हैं फेयरलॉप वाटर। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पार्क है और वेदर बहुत ही खूबसूरत था, तो आपके साथ शेयर करते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही ज़बरदस्त वेदर है। पहले धूप निकली हुई थी, अब एकदम से बादल आ गए हैं। सारे लोग निकले हुए हैं वॉक करने के लिए। ताज़ा ताज़ा हवा चल रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। आपके साथ हम शेयर करेंगे आगे से जितना भी पूरा बड़ा जितना पार्क है, इसके साथ इसमें लेक भी है, वो भी शेयर करूंगी मैं आपके साथ। ये देखें व्यूवर्स, कितनी खूबसूरत लेक है, इतना ठंडा ठंडा, ताजगी सी महसूस हो रही है ठंडी हवा में। यहाँ पे लोग आकर गेम खेलते हैं और यहाँ पे और दो दो टीमें बनी होती हैं और जो विन हो जाता है उसको फिर इनाम वगैरह मिलता है। आगे से आपको दूसरी तरफ से भी दिखाएंगे, बहुत बड़ी लेक है ये। खूबसूरत बादल है व्यूवर्स, देखें और धूप भी निकली हुई है, साथ ही एक सेकंड में वेदर चेंज हो जाता है। और ये मैं आपको फिर लोग वोटर्स का भी सारा दिखाती हूँ। यहाँ पे बूढ़े लोग भी सारे आए हैं जो एक आए हैं। दाना दुनिया अपना खा के कुछ जो है ना
लेक के अंदर अपना एंजॉयमेंट कर रही हैं, कुछ बाहर धूप लगवा रही हैं। देखिए इनको फीड करवाया जा रहा है और सारे उठ के आ गए हैं, पूरी पूरी उनकी फैमिली। दो तीन खानदान हैं, कुछ डिफरेंट कलर इनके बीच में, येलो कलर के हैं, कुछ ग्रीन कलर के हैं। आराम से बैठे हुए पिछली दफ़ा तो जब हम लोग आए थे तो इतनी ज़्यादा नहीं डॉग्स थी, लेकिन अब और इनके बच्चे वगैरह काफ़ी ज़्यादा इनका फैला हुआ खानदान पूरे का पूरा, और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आपस में बातें कर रही हैं। देखिए व्यूअर्स जी, आप वहाँ से चलते चलते रोड पे आ गए, और अगर इनको फीड वगैरह के लिए कुछ ना मिले खाने के लिए तो ये बाइट भी करते हैं, इसलिए हम दूर दूर होके इनको दूर से देखते हैं, दूर से कैप्चर कर रहे हैं इनको वीडियो में।
मुझे बचपन से इनसे बहुत डर लगता था क्योंकि पाकिस्तान में ये हमारे घर में थी तो ये बाइट करती थी और मैं बड़ा डरती थी हमारे घर में बाइट करती थी। तो वो जब मैं छोटी सी थी तो एकदम से उस घर पीछे पड़ते थे जब खाना डालने जाना तो उन्होंने बाइट कर ली। फिर मैं रोते हुए शिकायत लगाने की ये इनको घर से निकाले ये काट लिया। लेकिन बड़ा अच्छा माहौल था जब घर में थी हमारे ऊपर गाँव में। Thank you.
देखिए व्यूवर्स कितना ही ज़बरदस्त अब फिर धूप निकल आई है। हम चलते चलते इस पार्क के लेक साइड लेक के साथ साथ तो काफ़ी आगे निकल आए हैं। जितने भी चिरिंद परिंद हैं सबकी डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ें आ रही हैं। जबरदस्त डुबकी लगा दी है उसने। वो तो अपनी फैमिली के साथ दूर जा रही हैं छोटे छोटे बच्चे लेकर। बहुत ही बड़ी झील है वो किनारे से हम दूसरे किनारे से आए हैं और इस किनारे पे आप पहुँचे हैं चलते चलते। काफ़ी टाइम हो गया। बहुत बड़ा पार्क है साथ में फॉरेस्ट भी है साथ में लेक भी है। आज तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया है।
देखिए व्यूअर्स कितना खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। ज्यादा डकी रहती है, हर तरफ फैली हुई पूरी झील में, वाई ग्राउंड में, पार्क में। हर जगह अपनी फैमिली से यही पहुंची हुई। ये देखिए व्यूवर्स, फॉरेस्ट में ही मशरूम की शक्ल के ये बने हुए, कितना खूबसूरत स्टोन का। आज तो बहुत ही हम लोगों ने वो किया, बहुत ही मज़ा आया है, बहुत एंजॉय किया है, और लगता है कि आप भी हमारी वीडियो देख के एंजॉय करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट लिखना ना भूलिएगा। अब देखिए साथ ही ठंडी हवा है, साथ ही धूप निकल आई है। ये देखिए व्यूअर्स, ये डिफरेंट स्टोन, ये कैमल या एलिफेंट की शक्ल लग रही है। इतना तो बड़ा स्टोन है, इसने बड़ी मेहनत से यहाँ पे उनको शेप दी है। ये आगे एक और पत्थर आ रहा है, देखिए यहाँ पे पहले फन फेयर भी लगा हुआ था 2 वीक पहले, तो अब खत्म कर दिया इन्होंने, काफी राइड्स वगैरह लगी हुई थी बच्चों की। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, वापसी का अब इरादा बन रहा है क्योंकि काफ़ी देर हो गई हमें आए हुए। तो व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है, और आगे भी हम आपसे नाइस नाइस चीज़ें शेयर करेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ।